हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लीनियर स्पान ऑफ अ सेट की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ कराने वाला हूं, जो कि हर साल एग्जाम में आता ही रहता है। और ये थ्योरम मैंने आपको लीनियर स्पान वाली वीडियो में भी बताई थी, जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उनको पता होगा। और ये टॉपिक हमारा लीनियर एलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम का है। अगर आप इस वीडियो में इस थ्योरम के प्रूफ को देखने के लिए आए हो, तो इससे पहले आपको दो टॉपिक पता होने चाहिए। पहला है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, दूसरा है लीनियर स्पान ऑफ अ सेट। अगर ये दोनों टॉपिक आपको पता होंगे तो ये थ्योरम आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस थ्योरम के प्रूफ में इन दोनों टॉपिक्स का ही यूज होने वाला है। तो अगर आपको ये टॉपिक पता है तो ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं पहले से ही चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। दोनों टॉपिक्स की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना, ठीक है। और अगर आपको लीनियर एलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए हो, तो इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। वहां पर आपको लीनियर एलजेब्रा के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए हो जो उस प्लेलिस्ट में ना हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। इससे क्या है, मैं जब भी लीनियर एलजेब्रा से रिलेटेड किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब देखते हैं हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट को। इसमें हमें दे रखा है द लीनियर स्पान, हमारे पास एक लीनियर स्पान है जो कि है एल एस ऑफ एनी सबसेट एस का ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ इज अ सबस्पेस है ऑफ वी का और जनरेटेड बाय एस के द्वारा। और हमें ये प्रूफ करके भी दिखाना है कि एल एस बराबर होगा एस के, ठीक है। अब इस थ्योरम में क्या दे रखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस थ्योरम में हमें एक लीनियर स्पान दे रखा है जो कि हमारा एल एस है, जो कि हमारा सबसेट एस का है, ठीक है। और जो हमारा सबसेट एस है वो हमारा वेक्टर स्पेस वी एफ का है। और हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास लीनियर स्पान है एल एस है, वो हमारा क्या होगा, सब स्पेस होगा किसका, वी का, जो हमें वेक्टर स्पेस दे रखा है इसमें। पहले तो हमें थ्योरम में यही प्रूफ करना है, और उसके बाद में हमें ये भी प्रूफ करना है कि एल एस बराबर होता है एस के, ठीक है। तो ये दोनों हमें इस थ्योरम में प्रूफ करके दिखाने हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हम इसके प्रूफ में क्या क्या करने वाले हैं, जिससे हमारा ये प्रूफ हो सके। सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट में ये प्रूफ करना है कि जो हमारा लीनियर स्पान है एल एस है, वो क्या होता है, हमारा सब स्पेस होगा वी का, ये हमें प्रूफ करना है। और ऐसे ही सेम थ्योरम मैं अभी करवा चुका हूँ, जो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे होंगे उनको पता होगा, मैंने वहां पर एक थ्योरम कराई थी जिसमें हमारे पास एक सबसेट था डब्लू, उसको हमें प्रूफ करना था कि ये हमारा सब स्पेस होगा वी का। तो हमने वहां पर प्रूफ करा था, उसके लिए हमारी कंडीशन भी थी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये हमारा बिलोंग्स करना चाहिए डब्लू के अंदर, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने वहां पर प्रूव करी थी। अब जो इस थ्योरम में हमें दे रखा है, वहां पर हमारा डब्लू था, यहाँ पर हमारा क्या है एल एस है, यानी कि लीनियर स्पान, जिसको हमें सब स्पेस प्रूफ करना है वेक्टर स्पेस वी एफ का, ठीक है। तो इसके लिए हमारी कंडीशन हो जाएगी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये हमारा बिलोंग्स करेगा किसके अंदर, एल एस के अंदर, ठीक है। अगर कहीं से हम ये कंडीशन को प्रूफ कर देंगे तो यहाँ पर हमारा पहला वाला पार्ट हो जाएगा। और दूसरा हमें इसमें प्रूफ करना है कि एल एस बराबर होता है एस के। अगर हमें इस कंडीशन को प्रूफ करना है तो इससे पहले हमें दो कंडीशन को प्रूफ करके दिखाना होगा। अगर वो दोनों कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाएंगी तो उन दोनों कंडीशन से हम बोल देंगे कि एल एस बराबर होगा एस के। तो इसके लिए हम पहले प्रूफ करेंगे कि जो हमारे पास एस है वो हमारा सबसेट होगा किसका, एल एस का, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें दूसरा प्रूफ करेंगे कि जो हमारा एल एस होता है वो हमारा सबसेट होगा किसका, एस का। तो दोनों ही कंडीशन से हम यहाँ पर कह देंगे कि एल एस बराबर होगा एस के, ठीक है। तो प्रूफ करने से पहले मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, और जो दो टॉपिक बताए थे वो भी आपको पता होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को।
तो यहां से इसका प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा। हमारे पास अल्फा और बीटा है, बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एल एस। यहां पर हम एल एस के ही दो एलिमेंट्स को लेट कर लेंगे जो कि हमारे होंगे अल्फा और बीटा। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्स हैं और वो भी हमारे किसके हैं, लीनियर स्पान के हैं, तो हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। और ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताया था, इसलिए कह रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपको ये टॉपिक पता होगा तो तुरंत ही आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम अल्फा और बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हमने लिख भी रखा है देन, और अल्फा बराबर आ जाएगा ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू, और ये हमारे फाइनाइट तक चलते रहेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे ए एम अल्फा एम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दूसरा भी एलिमेंट है तो हमें m और n के पदों में लेना पड़ेगा। ऐसे ही हम बीटा को भी लिख सकते हैं, बी वन बीटा वन प्लस बी टू बीटा टू, और ये हमारा चलता रहेगा बी एन बीटा एन तक, ठीक है। तो ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया है फाइनाइट सेट्स का, जैसे कि मैंने आपको लीनियर स्पान ऑफ अ सेट इसकी डेफिनेशन में बताया था। और जो इसमें हमारे स्केलर हैं वो हमारे बिलोंग्स करेंगे फील्ड के अंदर, और जो हमारे वेक्टर्स हैं वो हमारे बिलोंग्स करेंगे एस के अंदर, ठीक है। तो वही आगे लिखा भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा वेयर, जो हमारे ए आए हुए हैं सारे के सारे और बी आए हुए हैं वो हमारे एफ के अंदर बिलोंग्स करते हैं, एंड जो हमारे अल्फा आए हुए हैं और बीटा आए हुए हैं वो हमारे किसके एलिमेंट हैं, एस के, ठीक है। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और पहली बात तो यह है, जो स्टूडेंट्स लीनियर स्पान ऑफ अ सेट इस टॉपिक को देख करके आए होंगे उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर मैं आपको ये सब बता चुका था पहले से ही, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे। अब आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें एल एस को, जो हमारा लीनियर स्पान है, उसको हमें सबस्पेस प्रूफ करना है वी का। तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि हमें प्रूफ करके दिखाना होगा कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये भी हमारा बिलोंग्स करता है किसके अंदर, एल एस के अंदर, यानी कि ये हमारा बिलोंग्स करेगा लीनियर स्पान ऑफ अ सेट के अंदर। तो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि जो हमारा ए अल्फा प्लस बी बीटा है उसको भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट्स के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा यहाँ पर प्रूफ कर देंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ए अल्फा प्लस बी बीटा होगा वो हमारा बिलोंग्स करेगा लीनियर स्पान के अंदर, यानी कि एल एस के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वही प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इफ़ जो हमारे ए कॉमा बी हैं वो हमारे क्या हैं, टू एलिमेंट्स हैं फील्ड के, जैसे कि अभी हमारा ऊपर भी आया था, देन तब ए अल्फा प्लस बी बीटा इसको भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट के रूप में लिखने जा रहे हैं। अब आपको ध्यान होगा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू जो थी वो हम स्टार्टिंग में निकाल चुके थे, वही वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। आपको ध्यान होगा कि अल्फा की वैल्यू हमारी ये आई थी और बीटा की वैल्यू हमारी ये आई थी, ठीक है, दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ए है और बी है, ए की भी ऊपर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारे पास स्केलर बी है उसकी भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वो देखते हैं हम आगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a ब्रैकेट में a1 वन अल्फा वन प्लस a ब्रैकेट में a2 टू अल्फा टू प्लस ऐसे ही है डॉट डॉट करके a m अल्फा m तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a ब्रैकेट में a m अल्फा m, फिर प्लस हो जाएगा, अब हम b की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा b ब्रैकेट में b1 वन बीटा वन प्लस b ब्रैकेट में आ जाएगा b2 टू बीटा टू प्लस ऐसे ही अब यहाँ पर आ जाएगा बी एन बीटा एन और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बी से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद एक स्टेप और करने वाले हैं हम, और ये करने के बाद में जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं वो हमारा आ जाएगा, ये हमारे एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट्स के रूप में बदल जाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे बदल जाएंगे, जैसे कि आपको सामने दिख ही रहा होगा कि हमारे लिखे हैं a ब्रैकेट में a1 वन अल्फा वन के रूप में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे a वाले पद हैं यानी कि जो स्केलर हैं जो हमारे फील्ड f के अंदर आ रहे हैं उनको हम एक जगह लिख लेंगे
और जो हमारे अल्फा और बीटा हैं जो कि हमारे एस के अंदर आते हैं उनको हम अलग करके लिख लेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ब्रैकेट में आ जाएगा ए ए वन और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा अल्फा वन। लिखा सेम ऊपर वाला ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। ऐसे ही अगला आ जाएगा हमारे पास ए ए टू ब्रैकेट बंद अल्फा टू। ऐसे ही हम ये एम वाले में कर देंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा ए ए एम और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम अल्फा एम से, ठीक है। अब ऐसे ही सेम बी वाले पद में भी कर देंगे हम यहाँ पर बी बी वन एक साथ लिख लेंगे जो हमारे स्केलर हैं, और जो हमारे वेक्टर्स हैं बीटा वन उसको अलग करके लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम ये सब में कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ वेक्टर्स का, जो कि हमारा किसका होता है फाइनाइट सेट्स के लिए, और ये हमारा किसके लिए हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा के लिए, ठीक है। तो हमें ए अल्फा प्लस बी बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन ही बनाना था, वो हम बना चुके हैं। तो इसमें आगे अब हम लिख देंगे कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये हमारा बिलोंग्स करेगा एल एस के अंदर, ठीक है। अब उसको देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि दस ए अल्फा प्लस बी बीटा हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड, यानी कि हमने इसको एक्सप्रेस्ड कर दिया है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट्स के रूप में, जो कि थे हमारे अल्फा वन कॉमा अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एम तक, ऐसे ही बीटा वन बीटा टू और बीटा बीटा एन तक, यहाँ पर एन होगा ध्यान रखना इस बात का। तो वही यहाँ पर लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया था। अब आगे देखते हैं इस थ्योरम के प्रूफ में, और जो हमारा इसका पहला पार्ट था वो अब प्रूफ होने ही वाला है, ठीक है। तो उसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस, जो भी हमारे अल्फा और बीटा थे वो सारे के सारे हमारे एस के एलिमेंट थे, तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा ए अल्फा प्लस बी बीटा होगा वो हमारा बिलोंग्स करेगा एल एस के अंदर, ठीक है। और यही कंडीशन हमें एल एस को सबस्पेस प्रूफ करने के लिए चाहिए थी, और वो यहाँ पर हम प्रूफ करके ला चुके हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से लिख देंगे कि 10 जो हमारे ए कॉमा बी है वो हमारे बिलोंग्स करते हैं एफ के अंदर, और जो हमारे अल्फा बीटा है वो हमारे बिलोंग्स करते हैं एल एस के अंदर। यहाँ पर आप एस भी लिख सकते हैं और एल एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे अल्फा और बीटा हैं वो हमारे क्या हैं फाइनाइट सेट्स हैं, जो कि हमारे लीनियर स्पान के अंदर आते हैं। अब हम इन दोनों ही कंडीशन से यहाँ पर प्रूफ कर देंगे कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये हमारा बिलोंग्स करेगा एल एस के अंदर, और यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि हिंस जो हमारा एल एस है वो हमारा क्या है सब स्पेस है किसका वी एफ का, और यही हमें प्रूफ करना था और यहाँ पर हम ये प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आपका प्रूफ हो गया। अब देखते हैं हम इसके सेकंड वाले प्रूफ को, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दूसरी कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हमें इसमें दो प्रूफ करने पड़ेंगे, उन दोनों प्रूफ से ही हमारी वो कंडीशन प्रूफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन को प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो हमारा एस होगा वो सबसेट होगा एल एस का, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे कि आल्सो ईच एलिमेंट ऑफ एस, जो हमारे एलिमेंट्स हैं एस के जो कि हमारे बिलोंग्स करते हैं एल एस के अंदर, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ऊपर भी लिखा था कि अल्फा कॉमा बीटा हमारे एस के अंदर आ रहे थे, तो हमने ऊपर लिख दिया था कि जो अल्फा कॉमा बीटा है वो हमारे एल एस के अंदर भी आ रहे हैं, और ये हम इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है बिकॉज इफ हमने यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लिया अल्फा आर जो कि हमारा बिलोंग्स करता है एस को, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा अल्फा आर होगा उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं वन इंटू अल्फा आर के रूप में, और हमें इस थ्योरम में पता है कि जो हमारा एस है वो हमारा बिलोंग्स करता है एल एस को। अगर कोई एलिमेंट हमारा एस के अंदर आ रहा है तो वो अपने आप ही एल एस के अंदर भी आएगा, तो वही हमने यहाँ पर लिख भी रखा है। एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारा अल्फा आर होगा वो हमारा बिलोंग्स करेगा एल एस के अंदर भी। और आपको ध्यान होगा कि हम अभी प्रूव करके आए हैं कि जो हमारा एल एस है वो हमारा क्या है एक सब स्पेस है वी का, और इस थ्योरम में हमने लिखा था कि जो हमारा एस है वो बिलोंग्स करता है हमारा एल एस को, तो जो हमारा एस होगा वो भी हमारा क्या होगा एक सब स्पेस ही होगा, तो हम आगे वही लिखने वाले हैं। अगर वो हमारा सब स्पेस होगा तो जो एस है हमारा वो कंटेन करेगा एल एस के अंदर, ठीक है।
अब वही मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि 10 जो हमारा एल एस है वो क्या है, हमारा सब स्पेस है वेक्टर स्पेस वी का। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एस होगा वो भी हमारा सब स्पेस होगा वी का। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा एस है वो कंटेन करता है हमारा एल एस के अंदर। तो हम इसको समीकरण के रूप में भी लिख लेंगे कि एस कंटेन करता है एल एस के अंदर। ठीक है, पहली कंडीशन हमें यही प्रूफ करनी थी और ये हमारी प्रूफ हो चुकी है। अब इसमें हम दूसरी कंडीशन को प्रूफ करेंगे कि जो एल एस होता है वो सबसेट होगा एस का। अब उसको देखते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि इन दोनों ही कंडीशन में थ्योरी है, तो आप दिमाग से सोचते हुए चलना कि इसमें क्या लिखा है और मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन यहाँ से प्रूफ करेंगे कि नाउ इफ़ यहाँ पर हम W लेट कर लेंगे जो कि हमारा सब स्पेस होगा V का और कंटेन करेगा S के अंदर। ठीक है, यानी कि आप इसमें ध्यान रखना कि जो हमारा W है वो कंटेन कर रहा है हमारा S के अंदर। अगर ये जो हमारे पास W है ये हमारा कंटेन कर रहा है S के अंदर, यानी कि जो हमारे एलिमेंट होंगे एल एस के वो भी सारे के सारे किसके अंदर होंगे, W के अंदर, क्योंकि जो हमारा S है वो हमारा सबसेट है एल एस का। तो वही यहाँ पर लिख भी रखा है देन ईच एलिमेंट ऑफ एल एस, यानी कि हर एक एलिमेंट जो हमारा एल एस का है मस्ट बी इन W, वो W के अंदर होगा। एक तो जो मैंने आपको कंडीशन बताई उस कंडीशन से आप समझ लें, और दूसरी कंडीशन इन्होंने यहाँ पर दे रखी है बिकॉज जो हमारा W होगा इज टू बी क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन के द्वारा एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, ये मैंने आपको वेक्टर सब स्पेस वाली वीडियो में भी बताई थी, जो उसमें उसकी कंडीशन आई थी, प्रॉपर्टीज आई थी, वहां पर मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है, अब एल एस के जो सारे एलिमेंट है वो सारे के सारे हमारे W के अंदर आ रहे हैं, और W जो हमारा था वो हमारा कंटेन कर रहा था एस के अंदर, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एल एस है वो हमारा सबसेट है एस का। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि देयर फोर एल एस विल बी कंटेन, कि जो एल एस है वो कंटेन करेगा डब्लू के अंदर। और आपको ध्यान होगा हमने ऊपर भी लाइट कर रहा था ये कि जो हमारा डब्लू है वो कंटेन कर रहा था एस के अंदर, यानी कि हम यहाँ से कह देंगे कि जो हमारा एल एस होगा वो हमारा कंटेन करेगा एस के अंदर, और इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से जो हमें कंडीशन प्रूफ करनी थी वो हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब हमें जो दूसरा पार्ट प्रूफ करना था वो भी प्रूफ हो जाएगा, देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, हमें क्या मिल जाएगा कि जो एल एस है वो बराबर हो जाएगा एस के। ठीक है, और इस कंडीशन से हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि जो हमारा एल एस है इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस है किसका, वी का, जो कि हमारा कंटेन कर रहा था एस के अंदर। ठीक है, हमें ये कंडीशन प्रूफ करके दिखानी थी और यहाँ पर हम प्रूफ करके दिखा चुके हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम का प्रूफ हो चुका है, और ये ज़्यादा उन्हीं की समझ में आया होगा जिन्होंने इससे पहले वाले दोनों टॉपिक को पढ़ रखा होगा। तो इस थ्योरम के प्रूफ में जो आपका समझ में ना आया हो वहाँ पर आप कमेंट कर पूछ लेना, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे तो ईजी थी थ्योरम, आपकी समझ में आ गई होगी। और अगर आपको लीनियर एलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड और भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो वो टॉपिक आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उस टॉपिक के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, आपको अगर किसी भी प्रीवियस ईयर सेम के क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो इसकी भी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है मैं जब भी लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट कर करके बताएं कि ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।